वंदे मातरम। अगर आप बहुत वर्षों से कंफ्यूज है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के जगह आप एडिटिव इनवर्स निकाल दे रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए, खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन, ही खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम, खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक, प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो कहने का अर्थ, अगर भी किसी संख्या का आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, किसी भी संख्या का आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब पहले समझिए क्या होता है, कि मतलब उस संख्या में कितना से गुना करें कि एक आ जाए, बस दूसरा कुछ नहीं है। कोई भी संख्या के आपको दे सकता है, बट्टा वाला संख्या दे सकता है, माइनस वाला संख्या दे सकता है, प्लस वाला संख्या दे सकता है, कि बताइए इस संख्या में कितना से गुना करेंगे कि एक आएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे बोल दे कि आपको चार का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, चार का, तो बताइए अब चार में कितना से गुना करेंगे कि एक आएगा। तब बोलेगा सबसे छोटी संख्या एक से गुना करेंगे तो चार आएगा, और उससे छोट ले रहे हैं जीरो, तल्ला जीरो आ जा रहा है, तो कितना से गुना करेंगे कि एक आएगा। बहुत ही देखिए, संख्या ना बोले हैं, बताइए इस संख्या में कितना से गुना करेंगे, तो एक बट्टा चार से, एक बट्टा चार से गुना करेंगे, तो चार से चार कट गया एक बार में, एक एकम एक। देखिए चार में हम एक बट्टा चार से गुना करेंगे तो एक आएगा। फिर देखिए, आप ऐसे भी इसको बना सकते थे कि चार चार में किससे गुना करेंगे, तो मान लीजिए एक से गुना करेंगे तो कितना आ जाए, एक आ जाए, तो फिर एक बराबर एक का एक आई गुना में, तो बट्टा चार ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा ही निकालिएगा, इस समीकरण का हल मानिएगा। देखिए फिर देखिए, अगर आपको बोल दे कि बताइए पांच में किस संख्या से गुना करेंगे कि एक आ जाए, तो एक बट्टा पांच से, यानी पांच का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो एक बट्टा पांच। समझ गए, पांच से पांच कट गया कितना आ गया एक, यही हुआ आंसर। बोलते माइनस सात का बताइए क्या होगा, तो माइनस सात का मत लिख दीजिएगा एक बट्टा माइनस सात, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे माइनस नहीं होता है, तो नीचे नहीं होता है तो लीजिए ऊपर तो होता है ना, तो हाँ, तो सात से सात कट गया, माइनस माइनस प्लस एक एकम एक, एक आ गया, बात खत्म। फिर देखिए, अगर बोल दे पांच बट्टा तीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, माने पांच बट्टा तीन में कौन संख्या से गुना करे कि एक आए, तो इसको फिर पलट दीजिए तीन बट्टा पांच से, तो देखिए तीन से तीन खत्म, पांच से पांच खत्म, एक आ गया, एक आ गया। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा साधा समझिए कि उस संख्या को हम लोग पलट देते हैं, मूड़ी ऊपर था गोर नीचे था, तम की गोरवे ऊपर मूड़ी नीचे, बात खत्म। फिर समझिए, एक तो लास्ट माइनस सात का, माइनस सात तो लिए हैं, एक तो ये ले लेते हैं, आठ का क्या होगा, आठ का, तो आठ का क्या होगा, एक बट्टा आठ, देखिए आठ से आठ कट गया एक आ गया, यानी आठ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक बट्टा आठ, बात खत्म। यही था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दूसरा कुछ नहीं था। आइए एडिटिव इनवर्स के बारे में समझते हैं, मतलब योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या कहता है, ये कहता है कि माने उस संख्या में कोई भी संख्या दिया रहेगा, बोलेगा आपको एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो मतलब उस संख्या में कितना जोड़े कि जीरो आ जाए। जैसे पांच में बताइए कितना जोड़ेंगे कि जीरो आएगा, तो कितना जोड़ेंगे, तो माइनस पांच जोड़ेंगे, हम जोड़िए ना रहे हैं माइनस पांच, तो देखिए पांच प्लस माइनस, माइनस पांच बराबर जीरो, पांच में पांच गया जीरो बराबर जीरो आ गया, तो पांच में कितना जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए, तो माइनस पांच। फिर समझिए, हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। अब देखिए सात में क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए, तो माइनस सात, ठीक। आठ में, अब आठ नहीं लेते, माइनस आठ लेते, अब माइनस आठ में क्या जोड़ेंगे कि जीरो आए, तो प्लस आठ बराबर जीरो। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर रह जाए कि तीन बट्टा पांच में क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए, अरे भैया माइनस तीन बट्टा पांच, बात खत्म, इसमें बट्टा वाला संख्या से घबराना नहीं है। तो मतलब इसमें हम क्या समझ गए कि अगर एडिटिव इनवर्स किसी संख्या का निकालना हो तो उसका साइनवा को पलट देते हैं, कोनो संख्या प्लस में है तो ओकरा माइनस में लिख देंगे, कोनो माइनस में है तो उसको प्लस में लिख देंगे, यही होता है योज्य प्रतिलोम। आपको हम फिर से एक बार बता दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करते हैं, उस संख्या को पलट देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कितना से गुना करे कि एक आ जाए, और योज्य प्रतिलोम कितना जोड़े कि जीरो आ जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।